वेलकम बैक टू माई चैनल। सो या गाइज, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होने वाली है। मैंने कभी भी अपने चैनल पर नहीं किया ये चीज़, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड। मैं बहुत टाइम पहले से इस पर पेंट करना चाह रही थी, एंड आई नो आप लोगों को थंबनेल से पता चल गया हो कि आज हम पेंट करने वाले जिगसो पजल पे, एंड दैट्स वाई मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मैंने कभी भी जिगसो पजल पे पेंट नहीं किया है। बचपन में मैंने पजल्स यूज़ किए हैं, बनाए हैं उनको, बट आई नेवर पेंट ऑन इट। सो गाइज, सो हियर इज़ द बॉक्स, एंड ये भी इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा है ना स्क्वायर में, एंड मैं डेफिनेटली इस बॉक्स को यूज़ करने वाली हूँ बाद में, क्योंकि एवरी इंडियंस डू दैट, जुगाड़ू होते हैं यार इंडियन। And I am super excited to paint on it. मतलब मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर पा रही हूँ। So yeah guys, अगर आप मेरी वीडियो अभी तक देख रहे हो, please do like, share, comment and subscribe to my channel and hit the bell icon also, जिससे कि आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन easily मिल जाए एंड आप मेरी वीडियो टाइम पर देख सको। सो या गाइस, फटाफट से हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। Let's get into the video. सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस जिगसो पजल का। हमारे पास ये डब्बा है एंड इसमें हमें तीन पजल मिलेंगी, एंड हेयर इज द थ्री पजल्स जो कि मुझे मिलने वाली है, एंड इसका कॉस्ट 224 है, बट ये मुझे 200 में मिला है, एंड ये मेरे पास बहुत टाइम से रखा हुआ था गाइज। मैंने सोचा था कि मैं इसको पेंट करूँगी, बट वो टाइम आ चुका है। सो इसमें हमें ये पजल्स मिल रहे हैं, एंड हम नीचे देखते हैं कि और क्या क्या है। वॉट, इसमें तो कुछ भी नहीं है, खाली डब्बा है, मतलब हमारा पोपट हो गया है। सो बेसिकली हमें इसमें तीनों पजल मिलने वाली है। सो सबसे पहले हम इसको खोलते हैं, एंड आई एम रियली एक्साइटेड, मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं। सो हेयर आर द थ्री पजल्स जो कि इस डब्बे में हमारे पास मिली है, एंड तीनों ही बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही हैं, बट हम एक पजल पे कुछ काम करेंगे, कुछ पेंट करेंगे। आई एम सुपर एक्साइटेड। ये पजल ना मेरे को ऐसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं इस पर कुछ पेंट करूँ, बट हम कुछ अच्छा सा पेंट करेंगे, शायद ये और भी अच्छा लगे। तो सबसे पहले मुझे इन पजल्स को अच्छे से पेस्ट करना पड़ेगा ताकि ये इधर उधर ना भागे, एंड मैं अच्छे से कलर कर पाऊँ इनको। सो फाइनली हमने टेपिंग तो कर दी है। नाउ फर्स्ट आई अप्लाई जैसो, और हम इसमें जैसो के बहुत सारे कोट करने वाले हैं। आई नो एक कोट से कुछ नहीं होने वाला है, तो मैं इसमें जैसो करना स्टार्ट करती हूँ। बट आई रियली फील बैड, क्योंकि मेरे को इस पर कलर करने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, बट आई विल ट्राई कि हम अच्छा सा कुछ बनाएं। सो वाई यूजिंग नॉर्मल पेंसिल, यहाँ पे मैं कुछ स्केच बना रही हूँ रैंडमली, एंड हेयर आई हैव प्लान कि मैं यहाँ पे कुछ डक बनाऊँ, तो यहाँ पे मैं डक बना रही हूँ, एंड हमारी जो डक होने वाली है वो कुपल मतलब कपल डक होने वाली है। हम इनको कह सकते हैं लव डक, क्योंकि लव वर्ड्स तो कह ही नहीं सकते कुछ भी। सो बेसिकली हमारा स्केच कंप्लीट हो चुका है। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द कलरिंग पार्ट, एंड कलर करने के लिए सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बैकग्राउंड से। तो यहाँ पे मैंने स्काई ब्लू कलर यूज़ किया है, एंड इसमें शेड्स देने के लिए मैंने सी ग्रीन कलर भी यूज़ किया है। सो फॉर द बॉटम पार्ट हेयर आई एम यूजिंग लाइट ग्रीन कलर, जिसको मैंने ग्रीन एंड येलो को मिक्स करके बनाया है। सो हम इस ज़मीन में बहुत कुछ इंक्लूड करने वाले हैं, जैसे बुशेज, लीव्स, फ्लावर्स एंड ब्ला एंड ब्ला। सो हम फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं। बाय द वे, मैंने ना जिगसो पजल बहुत टाइम पहले से ख़रीद के रखा था, मतलब महीनों हो गए हैं मेरे को, एंड तभी से मैंने सोचा था कि मैं कुछ इस पर पेंट करूँगी अच्छा सा, बट बिकॉज ऑफ माई कॉलेज एग्जाम्स एंड असाइनमेंट्स मुझे टाइम ही नहीं मिला। सो ऑल राइट, हम इसमें और डिटेल्स, माइन्यूट डिटेल्स ऐड करेंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसके मेन कैरेक्टर पे आते हैं, दैट इज़ दीज डक्स। हम इनको इतना ज़्यादा क्यूट बनाने वाले हैं। तो इसका जो मैं बेस लेयर है वो हमारा ऑफ वाइट है, तो फटाफट से ये करते हैं, एंड इसकी इनकी जो चोंच है उनको मैं ऑरेंज कलर से कर रही हूँ। एंड जो हमारा ये मेल डक है ना, उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, इसलिए मैंने उसको छाता भी पहना दिया है, हैट भी पहना दिया, मतलब दो दो चीज़ें पहन रखी हैं। एंड दूसरी तरफ हमारी ये फीमेल डक है, जिसका नाम हम रखते हैं चिंकी।
सो हम फटाफट से इसमें भी डिटेल्स ऐड कर देते हैं। एंड मैंने इसको एक नेक पीस भी पहना दिया, लॉकेट भी पहना दिया है दिल का, क्योंकि हमारे ये हैं कपल। सो हम फटाफट से मैं इसमें आउटलाइन भी ऐड कर देती हूँ। आफ्टर दैट मुझे और कमी लगने के कारण अपनी पेंटिंग में मैं इसमें और चीज़ें भी ऐड कर रही हूँ, लाइक फ्लावर्स। एंड हमारे फ्लावर्स भी बहुत सिंपल हैं, एंड मैंने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा खाली खाली लग रहा है, इसलिए मैंने एक ट्री भी इंक्लूड कर दिया। एंड इसमें हम थोड़ा सा हम इसमें ग्रीन पार्ट भी ऐड ऑन कर देंगे। हमारे कपल हैं तो हमें दिल बनाना तो ज़रूरी है, तो यहाँ पे मैं दिल भी बना दे रही हूँ। एंड और स्पेस भरने के लिए मैंने यहाँ पे क्लाउड्स भी ऐड कर दिए हैं व्हाइट कलर के। सो हम फटाफट से कंप्लीट करते हैं। लास्ट में जहाँ जहाँ पे मुझे आउटलाइन देनी है वहाँ पे मैं आउटलाइन दे दूंगी। सो गाइज, मेरा जो पजल में पेंट था, पेंटिंग थी, वो पूरी हो चुकी है एंड आई एम लविंग इट। तो हम इन जो पीछे जो टेप लगाया था उसको पील ऑफ करते हैं एंड सारे पजल्स के पार्ट को अलग अलग करते हैं। बट ये पजल के पार्ट ना इतने ज़्यादा चिपक गए थे एंड मैं इनको अलग नहीं कर पाई, जैसे तैसे मैंने इन तीन पार्ट्स को अलग किया। सो लास्ट में हम इसमें वॉर्निश अप्लाई कर देंगे एंड नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी कि मैं अलग अलग पजल के पार्ट पे कलर करूं। सो फटाफट से हम वॉर्निश अप्लाई कर देते हैं एंड उसके बाद हमारा ये रेडी हो चुका है एंड इट्स लुक सो क्यूट। मतलब बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा है, मैं बिल्कुल भी सैड नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगा था कि ये पता नहीं अच्छा बनेगा या नहीं बनेगा, बट यहाँ पे भी मैंने गलती कर दी, मैंने इसको उल्टा लगा दिया। तो हम इसको भी ठीक करते हैं एंड हेयर इज द फाइनल रिजल्ट। मेरे बाकी के दो पजल्स भी बच गए हैं। इफ़ यू वॉन्ट गाइज कि मैं इनको भी पेंट करूँ बट विदाउट मेकिंग एनी मिस्टेक, तो कमेंट डाउन बिलो। सो गाइज, इफ़ यू लाइक माई वीडियो एंड अभी तक आपने मेरी वीडियो देखी एंड तक, सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सो टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।